पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाई डू यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन? क्यों बनना है खुद का बेटर वर्जन? तुम्हें पता है हम सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? खुद के साथ, अपने थॉट्स के साथ। एंड जो हमारी बाहर की लाइफ होती है ना, दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर इनर लाइफ। अंदर जो चल रहा होता है ना मन के, वही हम बाहर दिखाते हैं, वही हम बाहर प्रकट करते हैं। एंड आई हाईली बिलीव दैट द पीपल सी यू इन अ वे द वे यू सी योर सेल्फ। एंड अगर आप अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचोगे ना, आप खुद को अच्छा अच्छा ट्रीट करोगे, तो लोग भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे, लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली हमें तब चाहिए होता है जब हम भी अपने बारे में अच्छा ना सोच पाए, ना कि तब जब लोग हमें पॉक कर रहे हो, जब लोग हमें बता रहे हो कि तू बहुत वीक हो गया, तू अपने करियर को लेके कुछ नहीं कर रहा है ना। तब मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़े से एक्सेप्टेंस की और थोड़ा सा और खुद को प्यार करने की ज़रूरत होती है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। जब जो हमारे अंदर बैठा है, जब वो आवाज़ में गा के बोले ना कि भाई तू अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है, कि भाई तू अपनी बॉडी को लेके सीरियस नहीं है, हम ढंग से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि तू ढंग की चीज़ें अंदर नहीं डाल रहा है, ठीक है, तब मुझे ऐसा लगता है तब हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जब हमारे मन से आवाज़ आए कि हाँ सच में इट्स टाइम टू चेंज। सो आई टुक माई 2018 पिक्चर एज माई ट्रांसफॉर्मेशन ईयर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले मैं कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाती थी। एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे ही मिडिल क्लास लाइफ जीना डिजर्व करती हूँ। बट टुडे आई कैन थिंक बिग फॉर माई सेल्फ, बिकॉज उस 2018 वाली डरी हुई तनुजा ने आज 2024 तक बहुत कुछ अचीव कर लिया है। सो इन दिस वीडियो आई टेल यू हाउ डिड आई ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, हाउ डिड आई ट्रांसफॉर्म माई ट्रेडिशनल माइंड सेट इन टू बॉसी माइंड सेट। तो बने रहिए। हेलो पीपल, आई एम तनुजा पवार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू शेड ओल्ड बिलीफ। तो हमें ना हमारी कंडीशंस और हमारी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ना मजबूर कर दिया जाता है उतना ही सोचने पे। इवन हमें बचपन से सिखा दिया जाता है कि उस 100 रुपये के नोट को 100 बार सोच के ही खर्च करना है। आई इवन रिमेम्बर कि मेरे स्कूल टाइम पे जब पीटीएम हुआ करती थी, तो मेरे घर वाले 30 30 मिनट पैदल चलने के लिए तैयार हो जाया करते थे, जस्ट वो 10 से 20 रुपए बचाने के लिए। एंड उसको कवर अप करके बोलते थे कि चलो इस बहाने हमारी वॉक भी हो गई। बट नाउ जब अब हम कमा रहे हैं, घर में फाइनेंशियली चीज़ें ठीक हो रही है, तो वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए समझते हैं और वो 20 से 50 रुपये भी खर्च करने के लिए अब तैयार हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मनी बेसिकली। एंड तो या आई बिलोंग टू दैट टाइप ऑफ फैमिली। एंड मेरी सोच भी वैसी हो गई थी कि जितना बच सके ना उतना बचाओ। एंड इवन जब मैं जॉब भी कर रही थी, तो बहुत ही रेयर होगा कि मैंने अपने ऊपर कोई पैसा खर्च करा होगा। मैं मतलब बचा बचा के रखती थी अपनी सैलरी को, एंड एंड में वो बचती भी नहीं थी, और मुझे ऐसा लगा वो बच बच के डॉक्टर के पास ही चली जाती थी। बेसिकली मुझे उस स्कार्सिटी माइंडसेट से बाहर निकलना था। एंड गाइज, आई रियली हैड अ वेरी हार्ड टाइम टू मेक माई माइंड अंडरस्टैंड दैट मनी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस फॉर एवरीवन्स यूज। सो इंस्टेड ऑफ लाइक बीइंग जेलस एंड बीइंग शॉक्ड, लाइक मेरे रिलेटिव इतना अच्छा कैसे कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने अपनी बहनों को देखा है कि उसी फैमिली से निकल कर, उसी फैमिली माइंड सेट से निकल कर वो आज इतने अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे। तो इवन आई कैन डू। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि जितना आ रहा है उसे बचा बचा के रखो, आई अंडरस्टैंड द कंसेप्ट है कि धन बांटने से ही बढ़ता है। तो अगर कहीं से मेरी 50 रुपये की इनकम हो रही है ना, तो उसमें से मैं 20 खाती हूँ, 10 बचाती हूँ कल के लिए, एंड 20 मैं यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हुए किसी की हेल्प में लगा देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ये वाली हैबिट ना मुझ में स्पिरिचुअलिटी में उतरने के बाद आई है, कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि ये सब मेटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, एंड इसको जितना मर्जी बचा के रख लो, ये साथ जाने वाली तो नहीं है। अपने ओल्ड बिलीफ को शेड करना ना बहुत मुश्किल का काम है, एंड बट हाँ, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो कीप एन ओपन माइंड, बट हाँ, अपने कोर बिलीफ के साथ भी छेड़छाड़ मत कर। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं नवी नवी चंडीगढ़ गई थी, तो वहाँ का कल्चर ऐसा है, आसपास के लोगों ने वैसा मुझे सिखा दिया था कि छोटे कपड़े पहनने से ही मैं क्लासी दिख सकती हूँ या फिर मैं सुंदर दिख सकती हूँ। तो इवन तो मैंने दबाव में आके अपनी फ्रेशर वाले दिन एक शॉर्ट ड्रेस पहन ली। मुझे पता है कि मैंने वो पूरा दिन कैसे अनकंफर्टेबल होके निकाला है। भले ही मैं सुंदर लग रही थी, बट मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। पर उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि मेरे लिए ये वाला कंसेप्ट नहीं है। मेरे लिए कंसेप्ट है कि द लेस आई रिवील द मोर आई लुक क्लासी। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने खुद
खुद से बात करी, खुद के कंसेप्ट को जाना कि हाँ एक्चुअल में मुझे क्या पसंद है सोसाइटी को छोड़कर, तब जो मैं निखरी हूँ ना उसके बाद का ग्लो अप कुछ अलग ही आ रहा है। तो एक बार खुद को चेंज करने की ठान ली ना, तो देन वी विल मूव टू सेकेंड स्टेप विच इज़ टू सेट अ गोल। तो MBA करने से पहले ना मैंने अपने लिए बहुत अनरियलिस्टिक से गोल सेट कर लिए थे कि हाँ मेरा इतने का पैकेज लगेगा, हाँ पहली सैलरी से मैं ये वाली कार लूँगी। बट आई नो विच इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि पहली बात तो मैंने कॉलेज और जिस यूनिवर्सिटी से मैं कर रही थी उसकी कोर रियलिटी को नहीं जाना कि क्या वहाँ पे इतना पैकेज ऑफर करने वाली कंपनीज आएंगी। सेकेंड थिंग कि अगर कंपनीज आ भी गई तो क्या मेरे पास वो स्किल सेट है कि मैं उस कंपनी को ग्रैब कर सकूँ। थर्ड से अगर मैंने इंटरव्यू क्रैक कर भी लिया तो क्या मैं उतने एफर्ट मारूंगी कि वो जॉब ट्रेनिंग पीरियड के बाद भी मेरे पास रहे। सो या आई सेट रॉन्ग गोल, आई चूज रॉन्ग पाथ पॉसिबली, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू सफर्ड अ लॉट, विच इज़ ओके। मैंने अपना जितना भी टाइम MBA में लगाया मैंने अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करा है। मैं MBA के साथ साथ अपने कंटेंट क्रिएशन पर भी बहुत ध्यान दे रही थी, तो ज़्यादा मैं उस टाइम कॉपियाँ भर देती थी लिख लिख कर कॉन्टेंट। सो यार मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा है, मैंने अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि गोल सेट करना ना कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें बहुत बहुत टाइम जाता है। एंड आपको अपनी हर एक स्किल को ट्राई करना, कौन सी स्किल है जिसकी सर्विस प्रोवाइड करने से आपको मॉनेटरी और इमोशनल बेनिफिट दोनों मिल सके। मुझे ऐसा लगता है कि गोल सेट करना आपको मैं नहीं बता सकती हूँ, या आप किसी वीडियो को देख के नहीं सेट कर सकते, ना ही किसी को इतना हक होना चाहिए कि कोई आपको बताए कि आपका ये गोल होना चाहिए। आपको अपनी हर एक स्किल सेट ट्राई करनी है, आपके अंदर जितनी भी स्किल सेट हैं। और आज के टाइम पे ना ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जिसकी सर्विस, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जिसकी सर्विस प्रोवाइड करने से आपको बदले में इनकम ना हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपनी स्किल सेट देखनी है कि आपके पास क्या क्या स्किल है, उसमें से ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें आप थोड़े से ज़्यादा अच्छे हो। परफेक्शनिज्म का भूत अपने दिमाग से उतार दो, किसी भी चीज़ में परफेक्ट होगे तब शुरू करोगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बस देखो कि हाँ थोड़ा सा अच्छे हो, इनिशिएट लो, तुरंत करके देखो उसको, बार 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 करो, फेलियर फेस करो। एक गोल सेट करो, फेलियर फेस करो, देन अगेन गोल सेट करो, देन दिस साइकिल शुड कीप्स ऑन मूविंग, क्योंकि धक्के खाकर और फेल हो कर ही अकल आती है। एंड जो आज मैं आपको ये ज्ञान दे पा रही हूँ ना, ये भी इसलिए क्योंकि मैंने उस 100% अगर मैंने एफर्ट दिया तो उसमें से 60% मैंने फेलियर फेस करा है। एंड उस फेलियर से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है ना, उसकी वजह से ही मैं वो 40% जीत पाई हूँ। तो विच इज़ ओके अगर आप फेल हो रहे हो, गोल सेट कर रहे हो, नहीं बन पा रहा है कुछ, विच इज़ ओके। मेरी बस एक बात गांठ बांध लो कि जितनी मजबूती से आप फेलियर फेस करोगे ना, उतनी ही आसानी से आपको सक्सेस मिलेगी। तो गोल सेट करो, मेक अ ब्लू प्रिंट हाउ यू विल बी अचीव दैट गोल एंड वट यू विल नीड टू अचीव दैट गोल। ठीक है, अगर जब एक बार गोल सेट हो जाए ना, तो उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है टू गेन नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। ओके, तो जब मैंने सोच लिया था ना कि आई विल डू यूट्यूब, तो उसके बाद मेरा था कि मुझे अब इस फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। अब मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया था एंड आई रिसर्च अबाउट हाउ आई विल ग्रो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू पोस्ट ऑन यूट्यूब, वट आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, वट आर द स्किल्स नीडेड, कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनको यूज़ करके मैं अपना थोड़ा वर्कलोड कम कर सकती हूँ। तो या आई रिसर्च अलॉट अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन डेट पॉप्स अप इन माई माइंड, एंड आफ्टर दैट आई टुक फाइनल स्टेप विच इज़ टू गिव माई सेल्फ टाइम। ठीक है, टू रियलाइज ईच एंड एवरी थिंग कि हाँ मैं ये सब करने वाली हूँ, एंड एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं ये सब कर लूँगी, जो हुआ वो हो चुका है, अब मैं ये सब चीज़ें करने वाली हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस ना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक लाइक जस्ट लाइक एक छोटे से प्लांट की तरह जिसमें आप रोज़ रोज़ पानी दोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें रोज़ रोज़ आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, एंड वो कभी सूख भी जाएगा, वो कभी मुरझा भी जाएगा, बट आपको पता है कि जब आप कंसिस्टेंटली उसमें पानी देते रहोगे तो वो आगे जाकर एक पेड़ बन जाएगा। एंड दिस इज़ आवर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस आपकी बिलीफ पे और आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। इफ़ यू थिंक दैट यू डिजर्व बेटर एंड यू स्टार्ट वर्किंग आउट टू अचीव दैट थिंग, आउटकम ज़रूर मिलेगा। बस मेरी एक बात ध्यान रखना कि ट्रांसफॉर्म योर माइंड बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग योर बॉडी। ओके, बिकॉज अगर आप यहाँ से हेल्दी हो गए हो, यहाँ से आपकी सोच बढ़ चुकी है, यहाँ से आपने सोच लिया कि हाँ ये मेरा हायर वर्जन है, ये ऐसे दिखता है, तो धीरे धीरे आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आपके एक्शन उस चीज़ को पाने के लिए शुरू हो जाएंगे अपने आप।
ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे फेलियर फेस करने पड़े, बट आपको ये सीखना होगा कि इस पूरे प्रोसेस में आप खुद को माफ कैसे करोगे. ठीक है, डोंट यूज हार्श वर्ड टू योर सेल्फ. ठीक है, गिव योर सेल्फ टाइम टू हील एंड बी पेशेंट विद योर सेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर यू नेवर स्टॉप लर्निंग. ओके, यू नेवर स्टॉप लर्निंग, यू नेवर स्टॉप डूइंग. ऑल यू नीड इज अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लिटिल बिट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड हार्डवर्क. ओके, इट्स ओके अगर आपने जो गोल सेट करे आप उन्हें अचीव नहीं कर पाए. इट्स ओके आपने जो टारगेट सेट करा था आप उसे अचीव नहीं कर पाए. इट्स ओके अगर एफर्ट मारने के बाद भी आपको फेलियर फेस करना पड़े. इट इज़ टोटली ओके. सब चीज़ों को फेस करने के बाद ही एक्चुअल में आपको सक्सेस का, एक्चुअल में आपको जीत का जो असली खुशी होती है वो महसूस करने को मिलेगी. ओके, तो अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं एक छोटी सी समरी में आपको समझाऊं, तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज रियलाइजेशन. मैंने रियलाइज करा कि 2018 वाली तनु जो इतना डरती थी, जिसका विजन इतना छोटा था, जिसकी सोच इतनी छोटी थी, वो अगर 2024 में इतना कुछ अचीव कर सकती है, तो आज 2024 वाली तनु जिसका विजन भी बहुत बड़ा है, जिसकी हिम्मत भी बहुत बड़ी है और जिसके एफर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं एंड जिसके पास रिसोर्सेज भी सब है, तो वो तो फिर मुझे नहीं लगता ऐसा कि कुछ है जो वो अचीव ना कर पाए. सेकेंड थिंग आई डिड वॉज टू एनालाइज माई पोटेंशियल. मैंने देखा कि मैं कितना कर सकती हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है. मैंने जो गोल सेट, मैं जो भी गोल सेट करती थी ना, मैं हमेशा उसे 2 कदम आगे का गोल सेट करती थी, सो डैट मैं अपनी लिमिट को पुश कर सकूँ एंड मैं देख सकूँ कि हाँ मेरी लास्ट टू लास्ट लिमिट क्या है. द थर्ड थिंग आई डिड वॉज टू सेट माई गोल. मैंने गोल सेट करे, मैंने खुद का पोटेंशियल एनालाइज करा, मैंने देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ. ठीक है, मैं कितना अचीव कर सकती हूँ. अनरियलिस्टिक गोल मैंने सेट नहीं करे. अब जो मैंने गोल सेट करा है वो है 31 दिसंबर 2024 के लिए एंड मैं उसके लिए पूरा पॉजिटिवली श्योर हूँ दैट आई विल गोना अचीव दैट गोल. द फोर्थ थिंग आई डिड वॉज टू टेक इनिशिएट. ओके, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप चीज़ें कंज्यूम करते रहोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, आपने सोच बना ली कि मैं ये बन सकता हूँ, बट वो चीज़ें आपके अंदर ही हैं. इन रियलिटी आप कुछ भी नहीं बने हो, तो आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा. फिफ्थ थिंग विच इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर यू फेस फेलियर और यू फेस सक्सेस. ओके, दोनों चीज़ों में आपको बहुत काम और बहुत खुशी से रिएक्ट करना है. अगर आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो, इससे अच्छी चीज़ तो और क्या ही होगी, है ना. बट अगर आप फेलियर फेस करते हो, तो मेरी एक बात को गांठ बांध लो, आप वहां से एक्सपीरियंस लेके निकलोगे. ठीक है, उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना, तब आप उससे बड़ा गोल सेट करोगे कि हाँ ये गोल तो ऑलमोस्ट मैं अचीव करने ही वाला था. आप कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं एंड इस वक्त आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा. ओके, सो या दीज आर द पॉइंट्स. हाउ डिड आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, हाउ डिड आई ट्रांसफॉर्म माई माइंड सेट. लुक बैक वन लास्ट टाइम टू योर ओल्डर सेल्फ एंड टेक अ डीप ब्रेथ. ठीक है, एंड से आई एम रेडी एंड इट्स टाइम टू चेंज. ओके, सो या लेट्स एंड दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू हिट द बेल आइकन सो डैट आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. मिलते हैं अगली वीडियो में. स्टे ट्यून्ड, सी यू सून.